गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश उत्सव या फिर कहें गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान श्री गणेश के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं। जिस तरह से एक अतिथि जब घर आता है तो उसके जाने का भी समय तय होता है, इसी तरह गणेश जी भगवान को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं उनकी मूर्ति को, तो उनके विसर्जन का समय भी तय होता है। जितने आनंद और उत्साह के साथ गणेश जी को घर में लाया जाता है, उसी तरह उनका विसर्जन का दिन भी तय होता है। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच कर दें। तो अब जानते हैं दोस्तों, 7 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त क्या है। 7 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 13 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा और इनके विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह के समय का चर लाभ और अमृत मुहूर्त 13 सितंबर को सुबह 6:05 से सुबह 10:44 तक का है। अपराह्न काल का चर मुहूर्त शाम 4:55 से शाम 6:28 तक का है। अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1:50 तक का है। रात्रि लाभ शुभ मुहूर्त रात को 9:23 से रात को 10:50 तक का है। रात्रि का शुभ अमृत और चर मुहूर्त रात को 12:17 से सुबह 4:38 तक का है। सुबह का ये समय 14 सितंबर का है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जय श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी टच करें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। गणपति बप्पा मोरिया।